हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने स्टडी कर लिया था इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ ए मोशन। लेक्चर नंबर आठ के अंदर हम स्टडी करेंगे आगे का जो टॉपिक आपका अपना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द nth सेकेंड और इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप पीछे वाले लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद ही कंटिन्यू करें इस लेक्चर को। आपका अपना चैनल लाल जी क्लासेस, मैं योगेश कुमार आपके बीच ला रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। मैंने पहले भी कहा है कि इससे पहले आप पीछे की वीडियोज लेक्चर देख लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। लेक्चर नंबर आठ हमारा है जिसके अंदर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द nth सेकेंड। अब बात करें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट nth सेकेंड। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भी आपने 1 घंटे रनिंग की, आप रनिंग कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप भाग रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। तो आपने 1 घंटे रनिंग की और उस 1 घंटे में लास्ट के 1 मिनट आप कितनी दूरी के लिए दौड़े, कितनी दूरी के लिए दौड़े, तो वो आपका जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द nth सेकेंड। उस टाइम में 1 मिनट में आप कितने दौड़े, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि आप टोटल n सेकेंड के लिए कितना दौड़े, n के लिए निकाल लें, ठीक है। फिर आप n-1 के लिए, ये तो n के लिए था, n-1 के लिए कितना दौड़े। अगर मैं एन में से n-1 घटा दूं तो लास्ट वाली जो सेकंड है इसका आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं अगला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द nth सेकंड, nth सेकंड के अंदर कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि आप जानते हो, एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, तो हमारी थी इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि ये तो टाइम टी में थी डिस्टेंस ट्रेवल, ये कितनी थी, ये थी टी टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल थी। अब आपसे बात करें कि अगर इफ टी इज इक्वल टू एन सेकेंड, मतलब टी टाइम जो है वो एन सेकेंड दे दिया, देन तो क्या होगा, तो वो एस एन आ जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल इन द एन सेकेंड, एन सेकेंड, एन सेकेंड, यू एन प्लस हाफ ए टी की जगह सब जगह एन स्क्वेयर कर दो, एन कर दो, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी, ठीक है भाई, ये 1 और ये 2। अब सेकेंड हम बात करते हैं इफ टी इज इक्वल टू n-1 सेकेंड, देन एस n-1 इज इक्वल टू यू इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू n-1 का होल स्क्वेयर, ये इक्वेशन 2 आ गई, सॉरी 3 आ गई। ये इक्वेशन कौन सी आ गई भाई, इक्वेशन 3। क्लियर है, आ गई बात समझ में। चलो इक्वेशन 3rd हो गई। अब सुनो, अब मैं इसमें से इसको घटा दूं तो एन सेकेंड का जाए ना, ठीक है। अब डिस्टेंस इन एन सेकेंड, ये डिस्टेंस इन एन सेकेंड था, ये डिस्टेंस इन एन-1 सेकेंड था,
ये क्या था, डिस्टेंस इन एन सेकेंड, और ये था डिस्टेंस इन एन माइनस वन सेकेंड। डिस्टेंस इन एन माइनस है वन सेकेंड, तो एन एथ सेकेंड में निकालेंगे, तो वो आ जाएगा डी एन से लिखूंगा मैं इसको, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, एस एन माइनस एन माइनस वन। तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, दो और तीन से, दो और तीन से वी गेट, हमें क्या मिला, तो वैल्यू आ जाएगी डी एन दैट इज इक्वल टू एस एन, ये है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस वन, यू इंटू एन माइनस वन, एन माइनस ए वन प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वेयर, एन माइनस वन का स्क्वेयर। भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो डी एन दैट इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए इंटू, इसका स्क्वेयर खोल दो, एन स्क्वेयर प्लस वन, एन स्क्वेयर प्लस वन इंटू क्या आएगा टू इंटू वन इंटू एन, यानी कि टू एन, ये वैल्यू आ गई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो एक बार, डी एन आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस, सॉरी भाई ये प्लस आएगा इसमें, माइनस आएगा, सॉरी क्या आएगा, माइनस माइनस का टू एन प्लस वन बाई टू ए माइनस टू ए एन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल। अब इस माइनस को अंदर ले आओ, डी एन दैट इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन, माइनस माइनस प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस हाफ ए माइनस ए एन। भाई यू एन से यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वेयर से हाफ ए एन स्क्वेयर कैंसिल, बचा क्या, ये बचा और ये बचा, वैल्यू आ गई डी एन इज इक्वल टू यू प्लस यू माइनस, सॉरी माइनस ए बाई टू माइनस ए एन। अब ए कॉमन है, अरे ए कॉमन है कि नहीं है, ए कॉमन है, ए कॉमन है तो वैल्यू आ जाएगी ए एन प्लस का आना चाहिए भाई, ये ए एन प्लस का आना चाहिए, ए एन प्लस का आएगा, ए एन प्लस का आएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो वैल्यू रख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, इसमें से ए कॉमन निकाल लो, डी एन दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए कॉमन निकाल लिया एन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू बाहर निकाल लो, अरे वन बाई टू बाहर निकाल लो, वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी डी एन दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन द एन एथ सेकेंड। एक बार हल्का सा रिविजन करवा रहा हूं, ध्यान से देख लो कि एक ऑब्जेक्ट था उसने एन सेकेंड में कितनी दूरी तय की और एन माइनस वन में कितनी दूरी तय की,
उसमें से ये घटा दें तो एन एन की डिस्टेंस ट्रेवल इन एन एच सेकेंड आ जाएगा। टाइम टी में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, टाइम टी इज इक्वल टू एन आ जाएगा तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर, टी की वैल्यू एन माइनस वन रखोगे तो एन माइनस वन आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दूं यानी कि सारी में से इसको घटा दूं तो ये बच जाएगी, तो डी एन इज इक्वल टू एस इंटू एस एन माइनस वन। इसको घटाएंगे तो पहले तो इसके अंदर इसको खोल लेंगे, इसको खोलें ये दिस माइनस दिस, इसको खोलेंगे तो यू एन माइनस यू प्लस हाफ, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी इसको खोलेंगे, इसको अंदर नेगेटिव साइन को अंदर ये टू से मतलब लेके चलेंगे, वन बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई टू को, तो वैल्यू आ गई डी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर माइनस यू एन माइनस यू प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस हाफ प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस, ये माइनस था भाई, यहाँ ये माइनस था, यहाँ हमने प्लस कर दिया था उसी वजह से माइनस माइनस प्लस हुआ था, ठीक है। ये माइनस टू इंटू ए इंटू एन अपॉन में टू, टू से टू कट गया। अब इसको खोल अंदर नेगेटिव ले जाओ, यू एन एज इट इज हाफ ए एन स्क्वेयर एज इट इज, माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर प्लस माइनस वन बाई टू ए। अब ये माइनस आएगा, यहाँ प्लस क्या हो गया था प्लस आएगा, माइनस माइनस है प्लस ए एन। अब यू एन से यू एन कट गया, हाफ एन से हाफ एन स्क्वायर कट गया, यू बचा और ये बचा तो यू प्लस ए बाई टू माइनस प्लस ए एन, वन बाई टू बाहर निकाल लोगे, ए बाहर निकाल लोगे तो वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द एन एथ सेकेंड। ये था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द एन एथ सेकेंड। अब हम बात करें तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आती है और वो हम स्टडी करेंगे अंडर फ्री फॉल। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल, अगला हमारा है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, ठीक है भाई। अब इसके अंदर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब बात लेके चलती हैं तो जब फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का होता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और जब फ्री फॉल ले रहे हो तो अपने ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी आपने ली है ये क्या लिया है जीरो। फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आपने स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी नहीं दी तो फ्री फॉल के केस में वेलोसिटी आ गई जीरो, तो वेलोसिटी आपकी जीरो आ गई तो फर्स्ट केस डाउनवर्ड जो ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम बात करेंगे, जैसे ही हम रिलीज करेंगे क्या करेंगे रिलीज, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो पहली हमारी है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब पहली इक्वेशन की हम बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो हमारी जी है वो पॉजिटिव लिया जाएगा और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम लेके चलें तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो भाई यू तो आ गई जीरो, ए की जगह आ गया जी जिसकी वैल्यू हमारी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, टी की जगह टी आ गया तो वी इज इक्वल टू जीरो प्लस जी टी, तो वेलोसिटी आ गई जी टी, फर्स्ट इक्वेशन हो। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है, सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ है ए टी स्क्वेयर। अब देखो एस तो हमने ले लिया, हाइट एच के बराबर ले सकते हो, हाइट एच के बराबर ले सकते हो या एस डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, आपकी मर्जी की बात है।
इनिशियल वेलोसिटी वही जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जी, अंडर फ्री फॉल की बात हो रही है, फ्री फॉल में ए जी के बराबर आ जाएगा, तो ये एच इज इक्वल टू जीरो, ये यू है हमारा, यू यू 0 × t + ½ जी टी स्क्वेयर, तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, एच इज इक्वल टू हाफ है, जिस हाइट से आपने गिराया है वो हाफ जी टी स्क्वेयर आ जाएगी। इक्वेशन आप यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हो, किस टाइम के लिए आया, आप ये वैल्यू ले सकते हो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, तो 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2h/g, तो t इज इक्वल टू √2h/g भी आप निकाल सकते हो, ये टाइम आपका आ जाएगा, क्या जाएगा टाइम। थर्ड इक्वेशन करते हैं हम, कौन सी थर्ड इक्वेशन हमारी है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, और वो हमारी है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u तो 0, a इज इक्वल टू g और s इज इक्वल टू क्या जाएगा h, रख दो वी स्क्वेयर माइनस 0 इज इक्वल टू 2gh, तो वी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2gh, तो वी इज इक्वल टू √2gh। अब मैंने आपसे बताई तीन चीजें, इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आएगा, इस टाइम से आएगा, इस हाइट से गिराओगे आप, तो अंडर फ्री फॉल होगा, क्या होगा, अंडर फ्री फॉल, क्लियर है, आगे बात समझ में। लेकिन अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हो तो इसकी वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, क्या चली जाएगी, नेगेटिव, ठीक है, आगे बात समझ में। इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, हाँ जी, फ्री फॉल के केस में बोलो, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन जो ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो एस की वैल्यू पॉजिटिव, और इन अपवर्ड डायरेक्शन जी विल बी नेगेटिव, जी विल बी नेगेटिव, ठीक है भाई। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक दो पॉइंट हमारे, एक तो आपका पॉइंट है रिएक्शन टाइम, एक आपका पॉइंट है हैंगअप टाइम, तो रिएक्शन टाइम की बात करते हैं, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम की बात करता हूँ मैं, तो रिएक्शन टाइम वो होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपके दोस्त ने ऊपर से ईंट फेंकी, आपने कैच की, ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद उसको कैच किया, वो टाइम आपका रिएक्शन टाइम था, मतलब इट इज द टाइम इन विच ए पर्सन टेक ऑब्जर्व थिंक एंड एक्ट, मतलब सीधी सी बात है, आपने एक ब्लॉक को ऑब्जर्व किया, ठीक है, सोचा कि क्या करना है और उसके ऊपर एक्शन किया, वो टाइम क्या कहलाएगा, रिएक्शन टाइम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिएक्शन टाइम। हैंगअप टाइम, हैंगअप टाइम, हैंगअप, हैंगअप टाइम वो टाइम होता है जो जिस टाइम पे वो ईंट एयर में थी, ठीक है, इट इज द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट या पर्सन इन विच एन ऑब्जेक्ट वाइल जंपिंग फ्रॉम द एयर इन डेफिनेंस ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर मूव कर रही है उस टाइम पे, ठीक है भाई। अब हम लेके चलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आपको ये पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड के अंदर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड के अंदर
आपका ऑब्जेक्ट गिराया जा रहा है, ठीक है, और उसको आपको डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर स्टार्ट कर रहा है, तो उसका जो रेशियो है वो ओड नंबर में आना है, ठीक है। आपको कहना है प्रूव दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड थर्ड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ ऑड नंबर डिस्टेंस। ऑड नंबर डिस्टेंस, ऑड नंबर डिस्टेंस से अगर ऑब्जेक्ट क्या है वो है अंडर फ्री फॉल, फ्री फॉल में। भाई सीधी सीधी सी क्वेश्चन को पहले समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराया, तो उसने फर्स्ट सेकंड में कितनी दूरी तय की, सेकंड सेकंड में कितनी दूरी तय की, थर्ड सेकंड में कितनी दूरी तय की। अगर इन दोनों तीनों का रेशियो निकालें तो हमेशा ओड नंबर में आएगा। किस में आएगा? ओड नंबर में। अब आपने निकाली थी वैल्यू, यहाँ पे सबसे पहले आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे यू इज इक्वल टू जीरो है और ए इज इक्वल टू जी के इक्वल है, ए इज इक्वल टू जी। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन एन एच सेकेंड, और वो आ गई डी एन दैट इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, टू एन माइनस ए वन। अब फर्स्ट सेकेंड में निकालेंगे इफ एन इज इक्वल टू वन, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, तो भाई डी वन दैट इज इक्वल टू यू की वैल्यू जीरो प्लस ए की वैल्यू जी बाई टू, ये आ जाएगी टू इंटू वन माइनस वन। तो डी वन आ गई भाई सीधी सीधी सी दो एकम दो माइनस एक एक, तो भाई सीधी आ गई जी बाई टू। जी को मैंने ले लिया टेन, जी इज इक्वल टू टेन मान लिया, तो टेन अपॉन टू यानी कि फाइव, 5 मीटर चला भाई ये, ठीक है। डी वन इफ एन इज इक्वल टू टू, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड सेकेंड, तो डी टू क्या आ जाएगी जीरो प्लस टेन अपॉन टू इंटू टू इंटू टू माइनस वन। वैल्यू क्या आ गई भाई? वैल्यू आ गई डी टू दैट इज इक्वल टू फाइव, तो बाहर है दो दूनी चार माइनस एक इंटू तीन 15, अरे 10/2 5, ये तो जीरो था 5, अंदर दो दूनी चार माइनस एक 3, 15 मीटर आ गई, ठीक है भाई। अगला इफ एन इज इक्वल टू 3, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी? वैल्यू आ जाएगी डी थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो प्लस टेन अपॉन टू टू इंटू थ्री माइनस वन, डी थ्री दैट इज इक्वल टू फाइव इंटू सिक्स माइनस वन, डी थ्री दैट इज इक्वल टू फाइव इंटू फाइव 25। अब हमें डी वन डी टू डी थ्री का रेशियो निकालना है, ठीक है। डी वन रेशियो डी टू रेशियो डी थ्री,
तो डी वन कितना था, पाँच, पाँच रेशियो ये कितना था, 15, रेशियो ये कितना था, 25। तो भाई पाँच तीनों में कॉमन आ रहा है ना, तो डी वन डी टू डी थ्री, पाँच एकम पाँच, पाँच थी ये 15, पाँच पाँच 25। तो यही तो प्रूव करना था कि ओड नंबर डिस्टेंस है, रेशियो जो है वो ओड नंबर रेशियो है, डी वन रेशियो डी टू रेशियो डी थ्री ओड नंबर रेशियो है। ठीक है भाई, आज के एपिसोड में इतना ही। हैव ए चीयरफुल डे, थैंक यू।